हाँ, द नेक्स्ट टॉपिक इज ई सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ई सीआरएम को इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए, क्या स्टेप्स हैं जिससे कि हम ई सीआरएम को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिफिक काइंड ऑफ ई सीआरएम सॉल्यूशन बीइंग सॉट, सम मैनेजर्स डेलिबरेटली एड एन एक्स्ट्रा पी टू दियर मार्केटिंग मिक्स टू हेल्प कीप साउंड ओके ई सीआरएम प्रिंसिपल्स फॉर्मली इन दियर साइट्स। द एक्स्ट्रा पी इज द प्रोफाइलिंग ऑफ द कस्टमर। ठीक है, आप सभी मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, मेरे टाइम में तो मार्केटिंग प्रैक्टिसेज में, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन आईटी एंड ऑपरेशंस है, ठीक है, तो मैंने मार्केटिंग अपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ी है सब्जेक्ट, तो इसमें उस समय मेरे टाइम में 4 P's ही हुआ करते थे। ठीक है, आप देखिए तो शायद 7 P हैं, और ये मुझे नहीं पता है कि ये जो एक्स्ट्रा पी है ये प्रोफाइलिंग उस 7 P में आता है या फिर अलग से है, लेकिन फिलहाल इस पी को भी ऐड किया गया है। तो व्हाट इज दैट पी? दिस इज द प्रोफाइलिंग ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो प्रोफाइलिंग ऑफ कस्टमर्स, तो किस तरीके से प्रोफाइल किया जाए, आप देखिए जो पहले मार्केट सेगमेंटेशन हुआ करता था, तो उसमें हम कह सकते हैं कि कस्टमर को हम सेगमेंट करते थे। ठीक है, लेकिन जो उस समय सेगमेंटेशन प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाती थी, अब कहीं ज्यादा फर्दर उसका बाइफरकेशन है, अलग अलग कैटेगरी और इतने टाइप की कैटेगरी आपको डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि हर एक कस्टमर यूनिक है, ठीक है, लेकिन हर एक कस्टमर के हिसाब से आप तो प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यू नीड टू मेंटेन अ कह सकते हैं वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन, है ना, वो आपको मेंटेन करने की जरूरत है। आप देखिए जैसे मैकडोनल्ड एक टाइम पर बर्गर से स्टार्ट किया था, और उस समय उनका जो कह सकते हैं की सेलिंग प्रोडक्ट वही था। अब उसके बाद उन्होंने इतने सारे वेरिएशन उसमें कर दिए, और उसमें भी वो डोसा बर्गर और जाने क्या क्या, मतलब यूनिक यूनिक टाइप के प्रोडक्ट, है ना, पफ और इवन मतलब कह सकते हैं पोटैटो के अलग से उन्होंने फ्लेवर्स, और बहुत सारे कह सकते हैं पोटैटो ब्रेड्स, इन सब के बहुत सारे फ्लेवर्स, नए नए फ्लेवर्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो क्यों किए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोफाइलिंग ऑफ द कस्टमर, क्योंकि हर एक कस्टमर की जो डिमांड है वो अलग है, यूनिक है। ठीक है, च्वाइस अलग है। ठीक है, अब आप देखिए मैक फ्लोट जो मैं देखता हूँ, तो उसमें क्या है, कोल्ड ड्रिंक है और कोल्ड ड्रिंक के ऊपर आइसक्रीम। ठीक है, तो आप देखिए तो इस तरीके के यूनिक प्रोडक्ट हैं वो, अब लोगों के यूनिक टेस्ट के हिसाब से वो उस तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जनरली प्रोफाइलिंग ऑफ द कस्टमर कि किस टाइप का कस्टमर है, जो कि क्या चाहता है, क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें प्रोडक्ट डिलीवर करना है, देना है, तो ई सी आर एम इम्प्लीमेंटेशन। सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो वाइल इम्प्लीमेंटिंग द ई सी आर एम। तो फर्स्ट इज द कैप्चरिंग द राइट कस्टमर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो राइट कस्टमर इंफॉर्मेशन को किस तरीके से कैप्चर किया जाए, राइट जगह पर आप उसकी इंफॉर्मेशन को कह सकते हैं आप एड्रेस करें। तो बेसिकली डेटा वेयर हाउसिंग टेक्निक, प्रॉपर राइट डेटा वेयर हाउसिंग टेक्निक और डेटा माइनिंग टेक्निक यू नीड टू डेवलप। तो आजकल तो देखिए क्लाउड का एप्लीकेशन होता है, जैसे अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि क्लाउड में पहले क्या होता था कि पहले मान लीजिए मैकडी मैं दिल्ली का या कहीं और का है, तो ये तो खैर कह सकते हैं ग्लोबल कंपनीज है, लेकिन इंडियन कंपनीज में अगर आप देखिए तो अलग अलग जगहों पर, मान लीजिए इंडिया में मेरा 8-10 जगह प्लांट है, तो उसके लिए मैं अलग अलग डेटाबेस मेंटेन करता था। तब उसमें क्या है कि मैं सेंट्रलाइज वे में कस्टमर को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन जब से क्लाउड यूज होने लगा है, तो क्लाउड से क्या है कि सारा डेटाबेस एक ही जगह पर मेंटेन हो रहा है, मैनेज हो रहा है। ठीक है, तो कहीं पर भी डुप्लीकेसी ऑफ डेटा नहीं है। ठीक है, तो किसी भी जगह अगर कोई कस्टमर पहली बार गया है, तो सबसे पहले देखिए आपसे क्या पूछते हैं कि प्लीज टेल योर कॉन्टेक्ट नंबर, है ना, कॉन्टेक्ट नंबर बताया। और अब तो आप देखिए तो अब हर जगह आप अपने गूगल जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जीमेल अकाउंट में जो भी डिटेल पड़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, उसी से ही आपका फेसबुक चलता है, उसी से ही आपका अदर कह सकते हैं, क्योंकि आप इतनी आईडी तो नहीं याद रख सकते हैं ना कि फेसबुक की अलग बना लें और उसकी क्या कहते हैं यूट्यूब के लिए अलग बनाएं और जीमेल के लिए अलग बनाएं। ठीक है, तो जनरली एक ही आईडी से होता है, तो फोन नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू ही वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके डेटाबेस में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड है। ठीक है, तो कैप्चरिंग द राइट कस्टमर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कैप्चर करना, तो सही पॉइंट कह सकते हैं आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जहां पर आप कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है उसको कह सकते हैं वहां पर वेयर हाउस कर सकें और उसको माइन कर सकें। ठीक है, कैप्चर कर सकें। तो कैप्चर करने के लिए आप एक पॉइंट बनाते हैं ना, हेल्प डेस्क है, जैसे बैंक में आप जाते हैं तो बैंकिंग में आप क्या है, हेल्प डेस्क होती है, वहां पर जाकर के आप फॉर्म वगैरह लेते हैं, उसको फिल करते हैं और उसके बाद देते हैं। ठीक है, तो
आप हर जगह ये डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर मुझे कस्टमर की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन पूछने जाएंगे तो कस्टमर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देने से बचेगा। तो देखिए, आप इंफॉर्मेशन में स्टार बना देते हैं। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है सिर्फ वही पूछते हैं, बाकी की हम इंफॉर्मेशन बाद में देख लेंगे। ठीक है, उसका पैटर्न हमें देखना है कि वो हमारे स्टोर से क्या परचेज कर रहा है, उसके बेसिस पर हम जो है मतलब कह सकते हैं उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, परचेजिंग इंटेंशन क्या रहती है उसकी। ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी में कितने वॉल्यूम में बाई करता है, तो वो सब हम इंफॉर्मेशन बाद में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम जनरली एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं राइट इंफॉर्मेशन सेट हम बनाते हैं और उसको हम एक कैप्चरिंग पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इज द मैनेजिंग द क्वालिटी ऑफ कस्टमर डेटा। ठीक है, अब जो कस्टमर डेटा है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, मैनेज करना। मैंने बताया था कि लॉट मेनी डेटा इज ऑब्सोलीट। जब ऑब्सोलीट डेटा होता है तो उसको आप क्या करें, टाइम टू टाइम जो भी ऑब्सोलीट डेटा है उसको आप हटाते जाएं अपने सिस्टम से, क्योंकि वो अननेसेसरी पाइल अप होता जाएगा और आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो मैनेजिंग द क्वालिटी ऑफ कस्टमर डेटा। ठीक है, तो जो कस्टमर डेटा है उसकी क्वालिटी को मैनेज करना, मेंटेन करना। इंटीग्रेटिंग द चैनल टू बिल्ड द रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे होता है कि एक ने डेटा कैप्चर किया फेसबुक ने, और फेसबुक ने आपसे पूछा कि क्या ये डेटा किसी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए मैं किसी और को शेयर कर सकता हूँ, आपने चेक बॉक्स में टिक कर दिया, तो उसके बाद वो आपका डेटा किसी भी मतलब कह सकते हैं जो भी आपने सर्च किया। ठीक है, जैसे होता है ना कि आपको कहीं विजिट करने जाना है और आपने गूगल पे जाकर के टाइप किया होटल इन जयपुर, है ना, तो उसके बाद आप देखिए, तो आप जब अपने फेसबुक अकाउंट में जाएंगे तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट होटल्स की आपके पास डील आने लगेंगी। तो वो क्या है कि जनरली जब आपने उसको फेसबुक को परमिशन दे रखी थी, तो जैसे ही आपने गूगल से उसे सर्च किया तो अल्टीमेटली वो सारे एड वहां से उसने उन लोगों को दे दिए और वो फर्दर एड्स आपके पास विजिबल होने लगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग द चैनल्स टू बिल्ड द रिलेशनशिप। ठीक है, कस्टमर को हर जगह मतलब अपनी पूरी एंट्री करने की बजाय आपने क्या किया, जो चैनल्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट कर दिया कि एक चैनल पार्टनर के पास कोई कस्टमर ने कुछ डेटा अगर एंटर किया है तो वो दूसरे चैनल पार्टनर उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, या दूसरा चैनल पार्टनर उसको एक्सेस करके उसको उससे रिलेटेड फर्दर कह सकते हैं और कंपटीटर्स की लिस्ट या और कंपटीटिव डील या और बेटर डील ऑफर कर सकता है। तो दैट इज द इंटीग्रेटिंग चैनल टू बिल्ड द रिलेशनशिप। एफिलिएट मार्केटिंग भी आजकल यूज होता है। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट या जो ऐप है वो तो रन कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन का कोई दूसरा प्रोडक्ट भी आप वहां पर प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही कस्टमर उस पर क्लिक करेगा तो आपके क्योंकि वेबसाइट के थ्रू उसने क्लिक किया है तो उसका जो भी कमीशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द इंटीग्रेटिंग चैनल टू बिल्ड द रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू को समझना, ठीक है, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू को समझना और वो किस तरीके से चेंज हो रही है उसको समझना। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द डिजाइनिंग और रेवेन्यू एंड कस्टमर फोकस सीआरएम स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो जो आप अपनी सीआरएम स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे तो वो रेवेन्यू बेस्ड होगी और कस्टमर फोकस होगी, कस्टमर ड्रिवेन होगी। ठीक है, तो कस्टमर ड्रिवेन क्यों होगी, अगर कस्टमर का परसेप्शन चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से आप भी अपने प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट लाइन में चेंज करें। ठीक है, इंटीग्रेट चैनल्स टू बिल्ड द, ठीक है, ये मुझे लगता है पॉइंट 2 बार आ गया है इसमें। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट भी है और सिक्स पॉइंट भी है। ठीक है, तो इसको आप हटा दीजिएगा। नेक्स्ट इज डिप्लॉइंग क्रॉस डिपार्टमेंटल बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, क्रॉस डिपार्टमेंटल क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो प्रोसेस व्यू होता है, प्रोसेस व्यू जनरली आपका इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। ठीक है, क्रॉस डिपार्टमेंटल, और तो कह सकते हैं कि आप अपने फंक्शनल लेवल पर ना सोच करके आप प्रोसेस व्यू में उसको देखते हैं। ठीक है, कह सकते हैं प्रोसेस के साथ डील करने के लिए जनरली जब आप किसी सर्टेन एक्टिविटी में आप स्पेशलाइज हो जाते हैं और उसके बाद फिर फर्दर आप जो है प्रोसेस व्यू आपका डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, तो डेवलपिंग द क्रॉस डिपार्टमेंटल बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है, तो ऐसी बिजनेस प्रोसेस करें जो कि कह सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी हो। ठीक है, और उनका आप जो है इम्प्लीमेंटेशन करें द इंक्रीमेंटल सीआरएम रिजल्ट्स, और जो कह सकते हैं जो सीआरएम रिजल्ट्स हैं उनको आप मेजर करें टाइम टू टाइम कि जो हम फॉलो कर रहे हैं क्या उसका अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या ऐसा है कि कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे हैं, हमारा कंप्यूटर हमसे कहीं ज्यादा बेटर सीआरएम मेंटेन। ठीक
ठीक है, तो वो सब आपको जो है टाइम टू टाइम मेजर करना है, और उसके रिगार्डिंग आपको अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट। तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स दैट यू फॉलो व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द ईसीआरएम प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट इज ये देखिए है कि बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, आप देखिएगा टॉपिक काफी अच्छा है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात है कि जो फेल्योर होते हैं तो वो किस वजह से होते हैं, ठीक है, और उनका क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो इसके बारे में ये स्टडी है। इट प्रपोजेस दैट द सेल्स पीपल एंड आप शुड बी ट्रेन्ड इन 5 स्किल एरियाज ऑफ फेल्योर एनालिसिस एंड रिकवरी एफर्ट्स, ठीक है। तो फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस आप फर्दर कर सकते हैं अपने प्रोसेस है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन की ही बात कर रहे हैं ना, ईसीआरएम इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली इफेक्ट ऑकर होने के कॉजेज हैं प्रोसेस व्यू में। इसको अगर पूरा नाम हम देखें तो प्रोसेस फेल्योर मोड एनालिसिस भी बोलते हैं। तो प्रोसेस में जो भी फेल्योर हो रहे हैं या फेल्योर ऑकर कर रहे हैं, जो भी रिस्क ऑकर कर रहे हैं, मिटिगेट किया जाए, उनके जो इम्पैक्ट है उसको किस तरीके से कम किया जाए, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी है। तो ये भी इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा ये आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसकी एक सर्टेन पीरियोडिसिटी होती है, क्योंकि इसको आप बार बार इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो एक आपको एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी होती है कि कब मैं फेल्योर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस करूं, ठीक है, क्योंकि रिस्क में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आते हैं, ठीक है। फर्दर आपको करना क्या होता है कि जो आपकी प्रोसेस है उनको सब प्रोसेस में ब्रेक करते हैं, सब प्रोसेसेस को एक्टिविटीज में, एक्टिविटीज को सब एक्टिविटीज में, सब एक्टिविटीज को इवेंट्स में, मींस जितना कह सकते हैं रिफाइन आपका बाइफरकेशन होगा उतना ज्यादा ऑप्टिमम आपकी एफएमई एनालिसिस होगी, ठीक है। तो जो भी आपके कह सकते हैं पैरामीटर्स हैं उन पर जो भी रिस्क फैक्टर हैं वो आप आइडेंटिफाई करेंगे, और उस रिस्क का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमें बनानी है, ठीक है। अगर इम्पैक्ट में भी रेटिंग होती है, रेटिंग किस तरीके की कि कोई पर्टिकुलर रिस्क है वो अगर माइनर लेवल का ऑकर कर रहा है तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी, मेजर लेवल का अगर ऑकर कर रहा है तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं आपको डिटेल में एक मैंने एफएमई एनालिसिस पर एक वीडियो क्यूटीएम में डाला है यूनिट 3 में, ठीक है, तो वो आप एक बार देख लेना, तो आपको एक पूरा टेम्पलेट भी मिल जाएगा उसमें कि कौन कौन से स्टेप हैं जिसके थ्रू हम एफएमईए अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली एफएमईए में हम देखते क्या है कि फेल्योर के क्या क्या रीजंस हैं, व्हाट आर फेल्योर आइडेंटिफिकेशन, फेल्योर कब कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या रीजंस हैं, है ना, फेल्योर एट्रीब्यूशन, ठीक है, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फेल्योर की, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, किस लेवल का फेल्योर ऑकर करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी में ऑकर करता है, ठीक है, रिकवरी स्ट्रेटेजी सिलेक्शन, और किस किस कह सकते हैं जो उसका एट्रीब्यूट है, जो डिफरेंट एट्रीब्यूट है, जैसा मैंने बताया ना कि रेटिंग आप एक स्केल देखते हैं कि अगर इस लेवल फेल्योर ऑकर कर रहा है तो मुझे ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, और अगर एक्सटेंसिव लेवल का कर रहा है तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी, होता है ना कि जब सीवियर कह सकते हैं रिस्क ऑकर करता है तो जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी दैट मस्ट बी मोर एग्रेसिव, ठीक है, और जब कह सकते हैं इम्पैक्ट उसका कम हो रहा है, लाइट इम्पैक्ट का कोई रिस्क ऑकर कर रहा है तो वहां पर जो आपकी कह सकते हैं एग्रेशन होगा वो कम होगा, ठीक है, उसको अलग होगा, और जो सीवियर लेवल का रिस्क है उसको डील करने का तरीका अलग होगा। तो रिकवरी स्ट्रेटेजी सिलेक्शन एंड रिकवरी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, एंड ट्रैकिंग मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस, तो दिस यू मे ऑल्सो डिप्लॉय। तो अगर जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ईसीआरएम का तो इन प्रैक्टिसेस को भी अप्लाई करेंगे, और इसके साथ साथ जो रिस्क एफएमई एनालिसिस है उसको भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी प्रोसेसेस में, जिसके जिससे कि जो डेविएशन आ रहा है, डिससेटिस्फेक्शन के कॉजेस हैं वो ना हो, तो दैट इज प्रोएक्टिव अप्रोच बेसिकली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ईसीआरएम इंप्लीमेंटेशन। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस पॉइंट यू मे आस्क।